फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में, जहां सभी स्टॉक्स आज पिट रहे हैं, वहीं जियो फाइनेंशियल के जो स्टॉक्स हैं वो काफी ट्रेंडिंग में दिख रहा है और आज 2% की तेजी दिखी। हमने आपको क्या कहा था, थोड़ा इसको सिंपल वे में करते हैं कि 200 से लेकर के 208 के बीच में एक बाइंग आएगी जो स्टॉक को 225-234 के बीच में लेकर के जाएगा। अगर पोटेंशियली इस स्टॉक ने इस लेवल को होल्ड करा, फिर हमारा लेवल 262 से 340 और 400 लेवल्स भी देखेंगे। इस समय शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी तो आप ले सकते हैं, जहां एक छोटा सा एसएल जो है 198-200 का एसएल लगा करके इस टारगेट को, लेकिन अगर आप लंबे अवधि के लिए इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो 180 और 90 के लेवल का वेट करिए। मैक्सिमम डाउनसाइड 160, इसके नीचे मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं। इन सभी चीजों को वैलिडेट करेंगे, प्रमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाए उसको देखूंगा, एफआईडीआई की होल्डिंग घटी उसको देखेंगे, साथ में ट्रेंड को समझेंगे। एपिसोड में आगे बढ़ें से पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे। प्रीमियम टेलीग्राम के जो फ्री है उसके जो मैसेज पिन है उसको फाइंड आउट करें अगर आप हमारे मास्टर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज, इसकी जो पेरेंट कंपनी है रिलायंस, उसके कल रिजल्ट आने हैं, तो कल वरी वोलेटिलिटी दिख सकती है। इस स्टॉक के लिए कल एक बड़ा दिन हो सकता है। ये एक बिजनेस एडिटोरियल, यहाँ देखेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड्स का एक एडिटोरियल है, प्रमोटर अप स्टेक इन अडानी इन रिलायंस जियो फाइनेंशियल के अंदर। यहाँ देखेंगे जो अर्लियर 45.8% स्टेक था प्रमोटर का, वो प्रमोटर ने इस स्टेक को बढ़ा करके 46.77% कर लिया है। 97 बेसिस पॉइंट्स के ए इंक्रीज जो है प्रमोटर ने करे हैं। जहां प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई वही देखेंगे तो जो एफआई और डीआई है उसने होल्डिंग घटाया है। यहां देखेंगे तो डीआई के तरफ से 2.59% और एफआई के तरफ से -4.86% जो है वो होल्डिंग्स घटाया गया। यहां देखेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर नाउ होल्ड 13.7% इक्विटी इन द कंपनी, व्हाइल फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्ड 21.6%। दिस इज अ रिडक्शन ऑफ 2.6%। जो 2.6% की रिडक्शन है वो हुआ डीआई में और 4.9% जो रिडक्शन है वो हुआ एफआई में। और ये रिडक्शन जो भी हुए वो जो है प्रमोटर के द्वारा, यहां देखेंगे पब्लिक शेयर होल्डर रिड्यूस देयर होल्डिंग बाय 0.97 इक्विटी विच वाज बाउट बाय प्रमोटर ऑफ द कंपनी, और लगभग 29 करोड़ जो है वो पब्लिक ने खरीदे हैं। तो यहाँ ये सारा घोचपोच चल रहा है। एक बार इसके ट्रेंड को देखें तो शॉर्ट टर्म में एक रिवर्सल दिख रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि वीकली टाइम फ्रेम पे आपको जो है ट्रेंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा हो। इसके अलावा डिलीवरी देखेंगे तो काफी बेटर दिख रही है। अब एक बार इसके चार्ट को देखेंगे, तो सिंपली हमने क्या कहा कि स्टॉक के जो ट्रेंड को देखेंगे, स्टॉक क्या हुआ ट्रेंड को समझे, कभी भी ना ही ऐसे गिरता है ना ही ऐसे बढ़ता है। यहाँ इस प्रकार से गिरा, ये एक मेजर डिमांड होगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, और ये जो जोन आप देख रहे हैं ये जोन होगा सप्लाई जोन। तो हमारे को क्या चाहिए कि वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमारा क्लोजिंग हो वो 234 के ऊपर हो। तो अगर एक छोटा सा एसएल 196-98 के एसएल के साथ आप ट्रेल करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में, तो इस जोन के लिए आप एक टारगेट ले सकते हैं, जहां आपको पर शेयर नियर अराउंड 20 रुपीज तक के गेन दिखेंगे। लेकिन अगर आप बेस्ट वैल्यू बाइंग जोन का वेट करते हैं तो इस लेवल के ब्रेकडाउन पे बड़ी गिरावट आएगी, जो 165-180 तक का लेवल्स भी दिखा सकता है, या फिर वीकली इसके क्लोजिंग के ऊपर लें और इसके ब्रेकआउट के बाद वन साइडेड ट्रेंड दिखेगा। इस समय थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर आप ट्रेडर हैं तो अगेन रिपीट करूंगा इसके एसएल के साथ आप एक टारगेट ले सकते हैं, लेकिन निवेशक हैं तो बेस्ट वैल्यू बाइंग जोन के लिए वेट करना चाहिए।